हेलो गाइज आज की वीडियो शुरू करते हैं तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल आउट के बारे में जो हमारे घर पे मच्छर मारने की नॉर्मल मशीन होती है आज हम उसके बारे में बात करेंगे वो कैसे काम करती है तो गाइज शुरू करते हैं तो गाइज देखिए क्या होता है ये ऑल आउट मशीन होती है उसके अंदर मेनली हमारे दो पार्ट होते हैं एक हमारी होती है इलेक्ट्रिकल मशीन जो ऊपर no. वाला पार्ट होता है और सेकेंड होता है हमारा लिक्विड जिसको हम रिफिल भी बोलते हैं तो ये हमारे मेन दो पार्ट होते हैं तो देखिए गाइज ये हमारी मेन मशीन है और ये हमारा लिक्विड है तो जैसे ही हम इन दोनों को साथ लगाते हैं देखिए इसके अंदर लगा दिए ये दोनों हमने साथ में कनेक्ट करते हैं और इसको हम पावर में लगाते हैं तो वैसे क्या होता है जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट इसके अंदर एक कोयल होती है हम जैसे इसको पावर में लगाते हैं कोयल है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है और क्या होता है जो कोयल होती है जैसे कि वो कोयल ऐसे है कोयल के अंदर हमारी ये जो रोड है ग्रेफाइट रोड ये होती है तो क्या होता है जैसे ही हमारी जो रिंग गर्म होगी वो जो कोयल होती है वो गर्म होगी तो उसके साथ ही जो हमारी जो ये ग्रेफाइट रोड है ये भी गर्म होना स्टार्ट हो जाती है इसके साथ में नीचे लिक्विड अटैच होता है और लिक्विड इसके साथ में ही लगा हुआ है तो क्या होता है जैसे ही हमारी रोड गर्म होगी वैसे हमारा जो नीचे वाला लिक्विड है वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और वो थोड़ी देर में ही वो वेपराइज हो जाता है वेपराइज होकर यहाँ से निकलता है जो हमारी रोड होती है इसके साथ से निकलना शुरू हो जाता है और वो हमारे जो रूम होता है अगर हमने रूम में मशीन को लगाया है तुम्हारे तो रूम में वो पूरे रूम में फैल जाता है और उससे हमारे मच्छर भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं तो गाइज ऐसे तो हमारी ये मशीन काम करती है और गाइज आपने मैक्सिमम मशीन में देखा होगा है एक, एक स्विच होता है देखिए ये स्विच गाइज ये काम कैसे करता है तो क्या होता है गाइज जो हमारी रिफिल होती है और इयर रिंग होगी यर रिंग हमारी और ये रिफिल है तो गाइज क्या होता है जो स्विच होता है हमारा ये क्या काम करता है जैसे कि हमारी रिंग यहाँ पर लगी हुई है और ये हमारा जो हमारा ग्रेफाइट की किलोड़ी है ऐसे तो गैज जैसे हम स्विच कहीं ऊपर नीचे करते हैं तो ये रिफ़िल अंदर चली जाती है जैसे जल्दी गर्म होना स्टार्ट हो जाती है और जल्दी लिक्विड हमारा बाहर निकलने लगता है और जल्दी हमारे रूम में फैल जाता है तो इस गैज अगर हम इसको अगर एक्टिव मोड में करते हैं तो ये लिक्विड ये ज़्यादा स्पीड से वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है और अच्छी इसलिए ये निश्चित काम करवाता है एक्टिव मोड में और नॉर्मल मोड में क्या होता है ये थोड़ी सी पीछे होती है इसी वजह से ये ज़्यादा लिक्विड जो हमारा वेपराइज नहीं हो पाता तो गैज ये तो हमारा हो गया जो मशीन थी ये कैसे काम करती है उसके बाद गाय क्या होता है जो हमारा सेकेंड पार्ट है सेकेंड जो हमारा मशीन का जो सेकेंड पार्ट है लिक्विड रिफिल बोल सकते हैं अंदर क्या होता है कि जिसकी वजह से जो मच्छर है जो भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं तो गैस क्या होता है ये लिक्विड हमारा इसमें मेन हमारे पास चार पार्ट होते हैं तो गाय सबसे पहला पार्ट होता है हमारा इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के रूप में हम गाय इसमें यूज़ करते हैं ट्रांसफुलथरीन तो गाइजी अगर अगर हमारी क्वांटिटी टोटल सौ एम है तो उसके अंदर सिर्फ वन जैसे कि हमारी आलआउट की मशीन है इसके अंदर वन पॉइंट सिक्स है वो यूज़ होता है तो गाइजी सबसे पहले हमारा पार्ट होगा इसके अंदर इंसेक्टीसाइड मतलब कि ट्रांसफुल तो ये इंसेक्टिसाइड होता है कीटनाशक आप हिंदी में बोल सकते हैं इसको कीटनाशक तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये हो गया और गई सेकेंड पार्ट होता है हमारा स्टेबलाइजर या फिर आपको एंटी बोल सकते हैं तो एंटी है, है। ऑक्सीडेंट तो क्या होता है गई जहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा ये हमारा होता है इंसेक्टिसाइड ट्रांसप्लुथरीन का होता है इसके अंदर आपको एक ऑक्सीजन दिखाई दे रही ऑक्सीजन तो गैस क्या होता है जो ये ऑक्सीजन अट जाती है और ये ट्रांसप्लुथरीन का कंप्लीट फार्मूला नहीं रहता और ये ट्रासप्लूथरीन हमारा एक इंसेक्टिसाइड नहीं रहता अगर ये इसमें ऑक्सीजन अट जाती है तो तो गई इसलिए यह ऑक्सीजन ना अटे इसकी ये नहीं निकले हमारे ट्रांसफ्लिथरीन से इसलिए हमें एंटी यूज़ करते हैं एंटी क्या होता है उस ऑक्सीजन को उसके प्लेस पर बनाए रखता है इस तरह से ये इसके साथ मिलाना पड़ता है तो गाइज हमारे दो पार्ट हो गए हैं सबसे पहला इंसेक्टिसाइड ट्रांसफ्लिथरीन और सेकेंड पार्ट हमारा है एंटी मतलब कि स्टेबलाइजर और गईज थर्ड पार्ट होता है हमारा परफ्यूम हमारे रूम में जो एक मंद मंद एक सुध फैल जाती है तो वो क्यों फैलती है क्योंकि इसके अंदर एक परफ्यूम यूज किया जाता है तो गाइज ये थर्ड पार्ट हो गया फोर्थ पार्ट होता है हमारा कैरोसिन ऑयल न्यूट्रलाइज कैरोसिन ऑयल तो गाइज आपको जो ये जो लिक्विड दिखाई दे रहा है आपको इसका जो कलर है वो बिल्कुल आपको एक पानी की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको लगता नहीं भाई ये कैरोसिन ऑयल होगा पर गाइज ये कैरोसिन ऑयल है क्या होता है गाइज हम कैरोसिन ऑयल को न्यूट्रलाइज करते हैं तो न्यूट्रलाइज करने से क्या होता है गाइज न्यूट्रलाइज करने से सबसे पहली बात तो इसका जो कलर होता है वो निकल जाता है जो हमारा ऑयल का जो मेन कलर होता है मिट्टी के कलर का वो निकल जाता है और सेकंड क्या होता है जो सेकंड हमारा जिसकी जो, जो गंद होती है कैरोसिन ऑयल की जो मेन गंद होती है वो निकल जाती है इसके अंदर कोई स्मेल नहीं रहती थर्ड गाइज क्या होता है जो इसका टेम्परेचर है जिस गायज जिस टेम्परेचर पर ही वेपराइज होता है अगर कैरोसिन ऑयल का आप नॉर्मल हीट करेंगे वो मैक्सीम टेम्परेचर पर वेपराइज होगा वो लेकिन क्या होता है अगर हम इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो गाइज जो इसका टेम्परेचर है जिस पर वेपराइज होगा वो बहुत कम हो जाता है वो बहुत ही मतलब मामूली टेम्परेचर पर ये गर्म हो जाता है और वेपराइज हो जाता है इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि हमारा इसकी स्मेल निकल जाए इसका जो कलर है वो निकल जाए और टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर ये वेपराइज होना शुरू हो जाए तो गाइज ये तो होगी तीन बात तो गाइज इस तरह हम चारों पार्ट को अगर मिला देते हैं तो हमारा जो लिक्विड है वो तैयार हो जाता है तो गई अब बात करते हैं हमारा जो ये लिक्विड होता है ये मच्छर को कैसे आराम करता है कैसे उसको मारता है या फिर उसको दूर भगाता है तो कहीं क्या होता है जो इसके अंदर लिक्विड है जैसे ही वो परेज हो जाता है हमारे चारों तरफ पे धुआं फैल जाता है इसका तो गाइज क्या होता है जो धुआं है जो मच्छर की जो स्किन होती है इसे क्रॉस हो जाता है और क्रॉस होने के बाद क्या होता है कि मच्छर की मूवमेंट स्लो हो जाती है उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे मूवमेंट स्लो होने के कारण वो नीचे गिर जाता है तो गाइज इस तरह से हमारी जो ये मशीन है ये काम करती है जो अलाउट हमारे घर पर होता है वो काम करता है सो so, गाइज थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आप आगे भी ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग